सब्सक्राइब कीजिए धे आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिछले कुछ सालों से यूबीआई स्कीम चर्चा में है। अलग अलग पार्टियों और राज्य सरकारों की ओर से इसे लागू किए जाने की कोशिशें चल रही हैं। बीते दिनों सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ ने वहां होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में एसडीएफ ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई को शामिल करने का फैसला किया है और कहा है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो 2022 तक इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा विपक्ष की कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे नागरिकों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिए जाने का नियम बनाएंगे। डीएनएस में आज हम आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बताएंगे, साथ ही अंतरिम बजट में सरकार की ओर से लागू किए गए पार्शियल बेसिक इनकम से जुड़े जरूरी पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर चल रही अलग अलग चर्चाओं को दरकिनार करते हुए केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने अंतरिम बजट में इस योजना को एक तरीके से लागू कर दिया है। मौजूदा केंद्र सरकार भी यूबीआई पर लंबे वक्त से विचार कर रही थी। केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों से उनकी राय मांगी थी, जिसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम को कैसे लागू किया जाए, किन किन लोगों को इसके दायरे में लाया जाए और साथ ही यदि स्कीम को लागू किया जाता है तो इसकी न्यूनतम इनकम क्या हो। केंद्र सरकार ने इन्हीं सब सवालों के लिए अपने अलग अलग मंत्रालयों से सुझाव मांगे थे। 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए बजट के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम की एक योजना शुरू की है, जो कि यूबीआई स्कीम का ही हिस्सा है। भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का सुझाव लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग ने दिया था। प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इसे भारत में लाए जाने का सुझाव दिया था। बेसिक इनकम अर्थ नेटवर्क के मुताबिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना किसी शर्त के एक तयशुदा रकम देती है, जिसका मतलब होता है कि अगर ये योजना लागू हो रही है तो सरकार देश के सभी वयस्क नागरिकों को एक निश्चित रकम समय समय पर देती रहेगी। बेसिक इनकम अर्थ नेटवर्क के बारे में आपको बताएं तो ये कुछ बौद्धिक लोगों का एक संगठन है जो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिए जाने की वकालत करते हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की यह सुविधा अगर सिर्फ कुछ खास तबकों जैसे कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ही दिया जाता है तो इसे पार्शियल बेसिक इनकम कहा जाता है। सरकार ने अपने अंतरिम बजट में किसानों को जो सहायता राशि देने की घोषणा की है वो पार्शियल बेसिक इनकम का ही हिस्सा है, जिसमें 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि साल 2016 और 17 के आर्थिक सर्वे में भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किए जाने की सिफारिश की गई थी। इस आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर 40 से अधिक पेजों का एक खाका तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू किए जाने के बाद भारत में मौजूद गरीबी को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि नागरिकों के लिए बनाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही हैं, जिसके कारण भी यूबीआई को सार्थक कदम बताया गया था। किसी भी बड़ी योजना को लागू करने से पहले उसका परीक्षण करना जरूरी होता है, जिससे उस योजना के संभावित परिणामों के बारे में पता लगाया जा सके। यूबीआई को भी लागू करने से पहले सरकार ने उसका एक टेस्ट करवाया था। यूबीआई का यह टेस्ट मध्य प्रदेश की एक पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया था, जिसके नतीजे काफी बेहतर रहे। वहां पर इस स्कीम का फायदा उठाने वाले लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानसिक खुशी जैसे क्षेत्रों में काफी सुधार देखा गया। इंदौर के करीब 8 गांवों की करीब 6,000 आबादी के बीच ये प्रयोग किया गया। ये प्रयोग 2010 से 2016 के बीच किया गया था। यूबीआई के तहत वयस्क पुरुषों और महिलाओं को 500 और नाबालिग बच्चों को हर महीने 150 रुपए दिया गया था। पिछले 5 सालों तक यूबीआई स्कीम का लाभ उठाने वाली इस आबादी के अधिकतर लोगों ने अपनी आय भी बढ़ा ली है, जिसके बाद यूबीआई स्कीम के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता ने देश भर में यूबीआई को लागू किए जाने की मांग को बढ़ा दिया है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने पर जीडीपी का करीब 3 से 4% खर्च आएगा, जबकि मौजूदा वक्त में सरकार जीडीपी का 4 से 5% सब्सिडी पर खर्च कर रही है। ये सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कुल 950 योजनाओं में खर्च की जाती है। इतने बड़े खर्च के बावजूद भी भारत में एक बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी बिताने पर मजबूर है।
ऐसे हालात में सब्सिडी के औचित्य पर सवाल उठना भी लाजमी है। साथ ही यूबीआई स्कीम को इसके विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि इस स्कीम के लागू होने से लोगों को इससे कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो 12 करोड़ से अधिक किसानों को यूबीआई स्कीम के दायरे में ला रहा है। यूबीआई को भारत में लागू किए जाने के पीछे मकसद ये है कि देश में सभी नागरिकों को एक निश्चित धनराशि उपलब्ध कराई जाए ताकि देश के सभी नागरिक अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। कुछ विशेषज्ञों ने यूबीआई स्कीम का समर्थन किया है, जिसमें उनका मानना है कि भारत जैसे भ्रष्ट और सामाजिक रूप से पिछड़े देश में सभी नागरिकों को उनके जीवन यापन के लिए एक निश्चित राशि दी जानी जरूरी है। यूबीआई स्कीम के जरिए बैंक खातों में जब पैसे भेजे जाते हैं तो इससे किसी भी परिवार की आय बढ़ती है, जिससे बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचता है। भारत में यूबीआई को लागू करना एक क्रांतिकारी कदम होगा, साथ ही यह स्कीम गरीबी दूर करने के मामले में भी मील का पत्थर साबित हो सकती है। मौजूदा वक्त में देश में काम करने वाली महिला श्रमिकों की संख्या काफी कम है। देश में असंगठित क्षेत्र का दायरा काफी बड़ा होने के कारण महिला श्रमिकों का शोषण हो रहा है, लेकिन यूबीआई स्कीम के जरिए जब उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे तो इससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदल सकती है। साथ ही महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत होने से महिला और पुरुष के लिंगानुपात में भी समानता आएगी। इस लिहाज से यूनिवर्सल बेसिक इनकम के जरिए महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसका समाज पर काफी बेहतर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इस समय करीब 90% से ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल 2 से 4 या ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों से कम की संख्या में काम करने वाले श्रमिकों की एक बड़ी संख्या है। सरकार अकेले या फिर 10 से कम लोगों की संख्या में काम करने वाली कंपनियों पर नजर नहीं रखती, जिसके कारण इन जगहों पर काम करने वाले लोग अपने भविष्य के लिए जरूरी धनराशि जमा नहीं कर पाते हैं। साथ ही इन्हें पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य से जुड़े फायदे भी नहीं मिल पाते हैं। अगर यूबीआई स्कीम लागू की जाती है तो निश्चित तौर पर इस तरह से काम करने वाले लोगों को फायदा होगा और इस स्कीम के जरिए ये लोग बैंकों से भी जुड़ेंगे, जिससे वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को भी साकार करने में आसानी होगी। इन सबके दौरान ही आम लोगों को बैंक से कर्ज भी मिल सकेगा, जिससे मांग और आपूर्ति में तेजी आएगी और देश का विकास भी बढ़ेगा। इस योजना का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि इसकी मदद से गरीब तबकों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही सरकार की ओर से दी जा रही मौजूदा सब्सिडी, जो कि बिचौलियों और अन्य कारणों से लोगों तक नहीं पहुंच पाती, उस पर भी लगाम लगेगा। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से इंसानों के काम और उनकी आय में कमी आ रही है, ऐसे में यूबीआई स्कीम इस समस्या से निपटने में भी काफी मददगार साबित हो सकती है। अगर पिछले साल के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत 2018 में वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 119 देशों की सूची में 103वें नंबर पर था, तो वहीं मानव विकास सूचकांक की 189 देशों की सूची में भारत 130वें नंबर पर रहा। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भी भारत 195 देशों की सूची में 145वें पायदान पर है। इन सब आंकड़ों से देश के लोगों का औसत जीवन स्तर जाहिर होता है और शायद इसलिए भी यूबीआई की जरूरत महसूस की जा रही है। हालांकि यूबीआई को लागू करने को लेकर कुछ विशेषज्ञों की राय इससे अलग है। दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि यूबीआई से लोगों में काम करने को लेकर उत्साह कम हो सकता है। यूबीआई से होने वाले नुकसान के पक्ष में विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्कीम के लागू होने से लोगों को जो मुफ्त पैसा मिलेगा वो उन्हें आलसी बना सकता है, जिससे लोग काम करने से इतराएंगे। मुफ्त में पैसा मिलने से जो लोग काम कर रहे हैं वे भी काम करने से परहेज करने लगेंगे, जिससे काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी आ सकती है। मुफ्त का पैसा मिलने से लोगों में फिजूल खर्ची की भी आदत आ सकती है। इसके अलावा लोगों में नशा और जुआ खेलने की इच्छा भी बढ़ सकती है। साथ ही इस योजना को लागू करने से बैंक पर काम का दबाव बढ़ेगा। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पहले से ही मानव संसाधन की कमी का सामना कर रहा है। इसके अलावा ये पूरी व्यवस्था सही तरीके से काम कर सके, इसके लिए भी देश में बैंकों की तकनीकी प्रणाली को अपडेट करने के लिए भारी भरकम रकम की दरकार रहेगी। इस स्कीम को लागू करने में एक समस्या ये भी है कि आखिर किन किन लोगों को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि सचमुच में इस स्कीम की जरूरत किसे है इसका चयन कर पाना सरकार के लिए मुश्किल कार्य है। इस प्रक्रिया को लागू करने में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलने की आशंका रहेगी। बिना जरूरत वाला भी कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने में सफल हो सकता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक नागरिकों को सब्सिडी देने पर सरकार को GDP का करीब 3.7% खर्च करना होता है।
जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर 0.9% तक की लागत आने का अनुमान है। ऐसे में लागत बढ़ने से पैसों का इंतजाम करना सरकार के लिए मुश्किल भरा काम होगा। इन सब के अलावा भारत में अशिक्षा और गरीबी का दायरा बहुत बड़ा है। देश में कम पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी फौज खड़ी होने के कारण वे इस योजना से मिलने वाले लाभ को अपना अधिकार समझने लगेंगे, जिससे देश के कार्यबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा नुकसान काम करने वाले लोगों की कमी से होगा, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। काम की रफ्तार कम होने से सामानों के निर्माण की गति धीमी होगी, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन पैदा होगा और इस कारण देश के विकास को भी प्रभावित होने की आशंका रहेगी। हमारे पुरुष प्रधान समाज में सरकार द्वारा महिलाओं को जो बुनियादी आय दी जाएगी, उस पर भी संभव है कि पुरुषों का नियंत्रण हो जाए। इसके अलावा यूबीआई से मजदूरी की दर बढ़ने के कारण महंगाई भी बढ़ सकती है। यूबीआई के सभी पहलुओं को समझने के बाद जो सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है वो ये कि इतने बड़े स्कीम के लिए पैसा कहां से आएगा, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक यूबीआई को यदि वास्तव में यूनिवर्सल रखना है तो उसके लिए जीडीपी का करीब 10% खर्च करना होगा। इसके अलावा यदि सरकार बजट को कम रखने के लिए इसे सिर्फ कुछ खास तबकों के लिए लाए जाने की कोशिश करेगी तो इस स्थिति में इस योजना को यूनिवर्सल कहना ठीक नहीं होगा, ये सिर्फ पार्शियल बेसिक इनकम ही कहा जाएगा। साथ ही जब आप बेसिक इनकम की बात करते हैं तो सवाल यह भी है कि क्या लोगों को ऐसा कोई कानूनी अधिकार भी दिया जाएगा, क्योंकि इस स्कीम में बिना किसी कानूनी प्रावधान के सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रहेगी। इसके अलावा जिस बेसिक इनकम की चर्चा हो रही है उसमें बेसिक आय का स्तर क्या होना चाहिए, यानी वो कौन सा अमाउंट होगा जिससे व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। अगर पार्शियल बेसिक इनकम की बात की जाए तो यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है। ये सवाल आंकड़ों से जुड़ा हुआ है और वो ये कि गरीबी रेखा की कोई सर्वमान्य परिभाषा तय नहीं है। तेंदुलकर फॉर्मूले में 22% आबादी को गरीब बताया गया है, जबकि सी रंगराजन फॉर्मूले ने 29.5% आबादी को गरीबी रेखा से नीचे माना था। ऐसे में इस योजना के लाभार्थियों को चिन्हित करना भी एक मुश्किल भरा काम होगा। इस योजना से फायदा और नुकसान दोनों होने की संभावना है। भारत जैसे बड़े और विविधता से परिपूर्ण देश में इसे लागू करना आसान नहीं है। भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने के लिए संसाधनों की व्यापक मात्रा में जरूरत होगी, जिसके लिए मौजूदा सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं को बंद करना पड़ सकता है।